भैया खास ये है, तेल बहुत महंगा है, 140 रुपए, और शक्कर 40 रुपए किलो है, आटा 25 रुपए किलो है। भैया हम लोगों का जो 1200 रुपए मिलते हैं, उसमें बताओ गृहस्थी चलाएं तो क्या चलाएं। सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए, और जो खाने पीने का राशन का सामान है वो भी कम में होना चाहिए, और जो बच्चों की पढ़ाई वगैरह हो रही है, अब तो पैसे इतने बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम में उप प्रबंधक लेखा के पद पर कार्यरत था, वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। देखिए, हम लोगों के पेंशन वालों की बजट से केवल एक ही उम्मीद रहती है कि इसकी जो टैक्स लिमिट है वो बढ़े, और नंबर दो, हमारी जो ईपीएफओ के थ्रू हमें पेंशन मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है, 1850 रुपये प्रति माह मिलती है। उसे सरकार विचाराधीन भी किए है, लेकिन अभी तक बढ़ी नहीं है, तो उसे भी बढ़ाई जाए। जो नॉर्मली उनके पास मांग लंबित है, बहुत दिनों से, बहुत पुरानी मांग लंबित है, और ईपीएफओ से मिलने वाला जो है राशि को टैक्स फ्री होना चाहिए। मैं एमएससी कंप्लीट है मेरा, और मैं बीएड भी कंप्लीट है, और मैं मैथ्स की कोचिंग चलाता हूँ, रायमर्स एकेडमी चलाता हूँ, और मैं अपने घर पे भी बैच लगाता हूँ। अब देखिए, सरकार को मैं तो ये चाहता हूँ सरकार हम लोगों पे भी ध्यान दे, क्योंकि हम लोग भी बाकायदा कुछ रजिस्टर कराते हैं और टैक्स पेड करते हैं, और बाकायदा हर वर्ष उसकी फीस भरते हैं। तो सरकार सबके लिए कर रही है, लेकिन हम लोग भी अपना परिवार चला रहे हैं और हर प्रकार से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो सरकार को भी हम लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि भले कुछ आगे हो जाए, ऐसा हो सकता है। जो शिक्षक हमारे पुरानी पद्धति से पढ़े हुए हैं, जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, जैसा कि अब पैटर्न आसान हो गया है, पर पहले बहुत मुश्किल था, और कंपटीशन उनका जो साथ में हो रहा है, जो नए युवा वर्ग हैं उनका जो सिलेबस भी समान है और आसान है, नंबर भी अच्छे आते हैं, तो वहाँ पर ये टीचर जो है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कुछ ऐसा प्रावधान बजट में लाए कि जो टीचर पुराने हो गए हैं या जिनके जिनकी शिक्षा पुरानी पद्धति से है, तो उनको छूट दी जाए, जैसे शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जा रहा है, ऐसे उनको भी कुछ भारांक वगैरह देना चाहिए, ये उम्मीद करता हूँ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।